यहाँ पर भी खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। रमजान में यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा नाटा हुआ है, नींद पूरी नहीं हो रही बस। इतना कोई मेस्ड अप हुआ पड़ा है, ना ही नींद पूरी हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे डांस क्लासेस जो है वो ज्यादातर नहीं हो पा रही हैं प्रॉपर तरीके से जो होती हैं। बहुत मसला होता है कि जो है एक दो क्लासेस होती है तो उनको पूरा दिन जो है फार होना पड़ता है यहाँ पे रमजान। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this is my first vlog in Ramzan. So सबसे पहले सबको रमज़ान मुबारक। So I decided to record some reaction of students that रमज़ान में यूनिवर्सिटी आकर कैसा लग रहा है और क्या डिफरेंस है रमज़ान से पहले क्या था और अब क्या है। So let's go and see the reactions. मुझे ये बताएं आप रमज़ान में यूनिवर्सिटी आ रहे हैं तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, में तो जैसा साल के जितने जो महीने होते हैं ना उसमें जितना फ़ील होता है वैसा ही हमें इस महीने में भी होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जो है वो हमारी क्लासेस जो है बेसिकली डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब जाहिर सी बात है आप क्लास में अगर स्ट्रेन देखेंगे तो जो स्ट्रेन पहले थी वो रमज़ान में नहीं होती है। हर कोई यही बहाना बनाता है कि रमज़ान आए भाई रमज़ान आए, तो रमज़ान को इतना जो है वो बहाना नहीं बनाना चाहिए स्टडी के वक्त। अगर 80 है बच्चे आते थे तो अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5-10-15 जाते हैं। कितना डिफरेंस? रमज़ान में आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं तो कैसा फ़ील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ बस थोड़े बहुत चेंजेस ये है कि बनस्बत पहले से रमज़ान में यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा नाटा हुआ है, लोगों का जो है वो रश कम है, सब जो है वो थके थके से लग रहे हैं। रमज़ान में यूनिवर्सिटी आ रहे हैं तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है? हमें अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा फील हो रहा है। बस हमारी कोशिश ये थी कि यहाँ कुछ गेन करने को मिले, बस ज़्यादा जरूरी की काफ़ी पहले आया करती थी यहाँ पर, क्योंकि वो खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और आप? नींद पूरी नहीं हो रही बस। मेजोरिटी में बच्चे नहीं है, टीचर्स का थोड़ा सा इशू चल रहा है। और क्लासेस हो रही हैं टाइम पे? टाइम पे कुछ नहीं हो रही, बस एक दो क्लासेस मैथ्स वगैरह की नहीं हो रही तो वो ज़्यादातर वो नहीं हो पा रही हैं प्रॉपर तरीके से जो होती हैं। और दूसरी ये कि बच्चे भी इसी वजह से नहीं आ रहे हैं। और दोबारा अब जो है वो पहले मौसम थोड़ा बेहतर था, अब जो है गर्मी आ गई है। ठीक है, थैंक यू। अब अलीना भी यूनिवर्सिटी आ गई है। सो अलीना से पूछते हैं कि अलीना को रमज़ान में यूनिवर्सिटी आके कैसा लग रहा है। अलीना आप बताएँ कि आपको रमज़ान में यूनिवर्सिटी आके कैसा लग रहा है? रमज़ान में यूनिवर्सिटी आके मज़ा तो आ रहा है, लेकिन वही सबका सेम यही है कि क्लासेस की स्ट्रेंथ बहुत कम हो चुकी है, जो कि जैसी पहले स्ट्रेंथ होती थी वैसी नहीं है। और लेकिन पॉइंट्स वालों को बहुत मसला होता है कि जो है अगर एक दो क्लासेस होती है तो उनको पूरा दिन जो है फार होना पड़ता है यहाँ पे रमज़ान के अंदर। वैसे जो चले जाते हैं वो लोगों को तो कोई मसला नहीं होता, एक दो क्लासेस लेके चले जाते हैं, लेकिन पॉइंट्स वाले को लोगों को मुश्किल काम है कि हम जैसे यूनिवर्सिटी में आते थे सिर्फ एक बात की एक्साइटमेंट होती थी, क्लास के बाद हम कैंटीन जाएंगे, अब वो एक्साइटमेंट नहीं है। रमज़ान में यूनिवर्सिटी आना इट्स नॉट ईजी, फ्रेंड्स के लिए डिफ़िकल्ट है यूनिवर्सिटी आना रमज़ान में, बहुत ही ज़्यादा। इतना कोई मेस्ड अप हुआ पड़ा है, ना ही नींद पूरी हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे डांस इट्स इट्स अ लॉट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको रमज़ान में यूनिवर्सिटी आके कैसा लग रहा है? क्या बताऊँ, दुख होता है यार। हाँ सीरियस में बहुत दुखी हूँ। जाहिर सी बात है भूख लगती है, वीकनेस होती है, ऊपर से नहीं गर्मी तो ज़्यादा नहीं है, यह खुशी की बात है। हाँ लेकिन अब थोड़ी थोड़ी हो रही है। हाँ अब थोड़ी थोड़ी हो रही है, बस कुछ टाइम ही रह गया है, अल्लाह हमें इसका अजर दे, अजर दे। हाय उसके आगे कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। तो क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है रमज़ान से पहले कैसा फील करती थी और अब कैसा फील करती है? रमज़ान से पहले अच्छा फील करते थे, खाते थे पीते थे मज़े के साथ, लेकिन अब नहीं खाते। नो मोर क्वेश्चन प्लीज।